डायबिटीज़ का इंसिडेंस इतना बढ़ गया है, 200-300% बढ़ते हुए जैसे बढ़ गया है। हम लोग जैसे किडनी स्पेशलिस्ट हैं तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और किडनी फेलियर का आज के डेट में नंबर वन कॉज है डायबिटीज़। करीब 30-40% किडनी फेलियर सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ के कारण होती है। इसका इंसिडेंस इतना बढ़ते जाएगा तो आने वाले समय में शायद हिंदुस्तान को हर आदमी को डायबिटीज़ हो जाए। तो इसे कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग। क्यों किया? देखिए, ये एक जागरूकता फैलाने के लिए है कि डायबिटीज़ से कैसे बचा जाए। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ एक महामारी का रूप ले रही है और 2022 तक में हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जा रहे हैं। जिस तरह डायबिटिक की संख्या बढ़ रही है, उसमें हर व्यक्ति को जागरूक होने की ज़रूरत है। और डायबिटीज़ एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है जो कि आँख, नर्व, हार्ट, किडनी सबको इफ़ेक्ट करती है। आँख की रोशनी जाती है, जान लेती है। तो इस डायबिटीज़ से बचने का सबसे बड़ा इलाज है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का सबसे बड़ा है कारण कि आप वॉक करें। तो ये वॉक करने की जो अवेयरनेस फैलाने के लिए वॉक फॉर लाइफ कार्यक्रम के हम लोग आए हैं और रैंप वॉक किए हैं वॉक करके, और बच्चों के साथ किए हैं। क्योंकि बच्चों में आप देखेंगे कि आजकल सेडेंटरी हैबिट हो गई है, बच्चे वॉक नहीं कर रहे हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मोबाइल, वीडियो गेम, सोशल मीडिया पर रहते हैं, जंक फूड खाते हैं। इसके लिए जागरूक करना है हम लोग को कि जागरूक लोग रहें। वॉक फॉर लाइफ, सेव योर लाइफ। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, वाइस प्रेसिडेंट IMA बिहार, मेंबर बिहार मेडिकल काउंसिल। Thank you.
समझना है तो चलना होगा। एक मैसेज जो घर घर तक पहुंचाने का प्रयास हमारा है लगातार सफल हो रहा है, उसमें हमने डॉक्टर्स को इन्वाइट किया, डॉक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं और बच्चों, ये सब मिल करके एक साथ रैंप वॉक कर रहे हैं, जो एक मैसेज देंगे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि जीना है तो चलना होगा, वॉक फॉर लाइफ को अपने जीवन में अपनाइए जिससे कि आप डायबिटीज़ से बचने, क्योंकि वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसी के लेकर के ये कार्यक्रम हमारा रखा गया है जिसमें हम डॉक्टर्स, मॉडल्स और बच्चे और एक साथ रैंप वॉक करेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे डायबिटीज से बचने के लिए। पुरुषोत्तम सिंह हूँ, मैं सचिव हूँ आस्था फाउंडेशन का।